विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज दिल्ली। और पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिले इसके लिए एक नई पहल की गई है। दिल्ली में द रीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। इस पाठक समागम का G20 शेरपा और लेखक अमिताभ कांत ने उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की खास रिपोर्ट। दिल्ली में माटी ट्रस्ट द्वारा एक अनूठी और उपयोगी पहल की गई। जी हां, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माटी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से द रीडर्स कॉन्क्लेव यानी पाठक समागम का पहला संस्करण आयोजित किया गया। शनिवार को समागम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे G20 शेरपा और लेखक अमिताभ कांत ने कहा कि पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। ये आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करती है। पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में बहुत मदद करता है। और हमें इस मानसिक और आध्यात्मिक संवाद में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तो किताबों ने लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इमेजिन करवाया है और बदलाव लाया है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रसिद्ध पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने ये चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या पढ़ना है। माटी की जो बौद्धिक शक्ति है अपार है। माटी तो एक सिंबल है और माटी की जो बौद्धिक क्षमता है वह सचमुच उसका कोई था नहीं पाया जा सकता, वो अपार है। माटी के संयोजक और कॉन्क्लेव के क्यूरेटर आसिफ आजमी ने कहा कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा हम पाठकों को मूल स्रोत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। माटी एक पेड़ बन गया है इन 7 सालों में। इसके बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी डालें, मजबूत तने भी हैं और कुछ नए नवेले भी। इस 2 दिवसीय पाठक समागम में कारपोरेट प्रबंधन, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, आध्यात्मिकता से लेकर कथा साहित्य, बाल कथा और कविता तक लगभग सभी विधाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व IAS प्रकाश सिंह, राम बहादुर राय, जयशंकर गुप्ता, जितेंद्र श्रीवास्तव, HA कुरैशी, सूर्यनाथ सिंह, रणविजय, चंद्रभूषण और रुचि सिंह जैसे लेखकों की किताबों पर चर्चा होगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय पाठक समागम में